हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ, तो यहाँ पे खाना आना हमारा बन गया। जो मैंने पूजा का जो प्रसाद वगैरह वो सब बना लिया, क्योंकि उसका वीडियो मैंने नहीं शूट कर पाया, लाइट चली गई थी इसी वजह से मैंने वीडियो नहीं शूट कर पाया। तो उसके बाद खाना ना बना के बैठ ही पाए, तुरंत लाइट आ गई। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो चौक बनाते हैं, चावल भिगो दिए थे मैंने थोड़े से एक मुट्ठी, सो हमारे यहाँ इसी के इस चावल से ही चावल भिगो के और पीस के इसी से चौक बनाते हैं। तो फ्रेंड्स वही यहाँ पे हम चौक बना रहे हैं, ये देखिए। और मुझे मेरे को जैसा बनाना आता है उसी तरीके से मैंने बनाया, मुझे ज़्यादा कुछ चौक वौक बनाना नहीं आता है। जो हाँ बना लेते हैं अपना काम चलाऊ, तो ये देखिए अब सूख जाएगा फिर ये अच्छा लगेगा देखने में सफ़ेद सफ़ेद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चौक हमारा बन गया। तो उसके बाद इसी से हम अपनों जो करो है ना, इसी से हम अपना करो भी कलर कर लेंगे, उसे डेकोरेट कर लेंगे। तो मिट्टी का हम खरीद के नहीं लाते, क्योंकि हमारे जो शादी के बाद पहली करवा चौथ थी, उसके बाद जो हमारे मायके से आया था वही करवा हमारा रखा है, उसी को हम हर साल इसी को भरते हैं इसी। और जो मिट्टी का सब लोग लाते हैं वो मिट्टी का हम नहीं लाते हैं। तो ये देखिए, तो और ये हम यहाँ पे करवा को डेकोरेट कर लेते हैं। जो चौक तो मैंने बना दिया, और इसी जो बचे हुए जो पिसे हुए चावल थे उसी से फिर ये सूख जाएगा, सूख जाने के बाद ये कलर इसमें कर देंगे तो अच्छा लगने लगेगा। तो ये हमारे मम्मी ने भेजा था शादी के जब पहली करवा चौथ थी उस तभी भेजा था, 17-18 साल हो गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, और इस पे जो कटोरी है उसे भी ढकने के लिए, इस पे कटोरी है इसे भी कलर कर लेंगे। और फिर ये सूख नहीं रहा था तो फिर मैंने इसे चावल से इसे सफ़ेद बना के उसके बाद ही मैंने गैस पे सुखा के जब इसमें मैंने कलर किया। तो ये टाइम लगता सूखने में, क्योंकि और टाइम काफ़ी हो गया था, 7 बज गए थे, तो तैयार भी होना है। तो ये देखिए, एक बार मैंने चौक बनाया वैसे अष्टदल कमल वाला, फिर वो ठीक नहीं लगा, क्योंकि हर साल ऐसा ही बनाते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने ऐसा ही चौक बना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सूख गया और कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए मैं गैस जला के सुखा के लेके आया, क्योंकि इसमें फिर टाइम लगता सूखने में, पंखा चलाया फिर पंखे से भी नहीं सूखा, तो इसीलिए फिर मैं गैस से सुखा के इसे ले आए। तो ये देखिए जल्दी हो गया, तो इसमें कलर कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कलर कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इसमें कलर हो गया, इसमें ऐसे डिजाइन बना दे रहे हैं लारिया सी, और ये बहुत अच्छा लगने लगता है। सफ़ेद पे कलर कर दो, ये आलता था, आलता से इसमें मैंने डिजाइन बना दी। अब ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। फ्रेंड्स अकेले हैं, अन्नू के पापा हैं नहीं, तो इस वजह से कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर अन्नू के पापा होते तो कुछ फिर रौनक ही अलग होती, और अजब अजीब से लग रहा। त्यौहार है, त्यौहार तो करना तो है ही। तो फ्रेंड्स बात करी थी मैंने वीडियो कॉल से ही, जो पूजा वूजा वगैरह थी वो वीडियो कॉल से ही करी थी। और एंड टाइम पे एक अन्नू वाला फ़ोन, वो पता नहीं क्यों कैसे स्विच ऑफ हो गया, वो अभी तक आज तक फ़ोन नहीं खुला ये वीडियो।
जो मतलब हम वीडियो कॉल पे बात इसी फ़ोन से करते रहे, तो उसकी मैंने वीडियो पूजा की शूट नहीं कर पाई। मैंने वीडियो कॉल से ही जो पूजा होती है चांद को अर्घ देना और सब वीडियो कॉल से ही करी थी मैंने पूजा, तो इस वजह से इस फ़ोन से वीडियो कॉल चल रही थी, तो अन्नू वाला फ़ोन स्विच ऑफ ही नहीं खुला, एंड टाइम पे फ़ोन बंद हो गया, तो इस वजह से उसकी मैंने पूजा उजा की कोई वीडियो नहीं शूट कर पाई। इसके लिए फ्रेंड्स मुझे माफ़ करना, तो आप सो कहोगे कि पूजा करी वो वीडियो नहीं डाली, वो वीडियो नहीं दिखाई, बस यही वजह थी। और पहले तो फ़ोन चलता रहा, एंड टाइम पे फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, बेचारा खोलता रहा कुछ देर तक, फ़ोन उसका स्विच ऑफ खुला ही नहीं, अभी तक नहीं खुला है, अभी भेजेंगे शाम को उसे दुकान पे, 2 बार दिन में हुआ है पर दुकान बंद थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, करवा मेरा कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए मैंने अच्छे से इसको डेकोरेट कर दिया है, बिल्कुल नया जैसा हो गया, जैसे नया खरीद के लाते हैं डिज़ाइन वाला, उसी तरीके से हो गया ये। तो पिछले साल भी नहीं थे और इस साल भी नहीं नहीं आ पाए, अब दीपावली को आएंगे 2-4 दिन बाद, किस आप समझ सकते हो, तो कुछ ना कुछ तो मजबूरी है ही, इसी वजह से नहीं आ पाए। तो कोई बात नहीं, त्यौहार तो हर साल आते हैं, तो पर मन तो उदास हो ही जाता है, अगर ऐसे मौके पर ना हो तो फिर अकेले, तो कह रहे क्या सोचे भैया, आराम आराम से मैंने काम कर लिया था सारा, पूजा वूजा वगैरह। तो ये देखिए मैंने कटोरी भी तैयार कर दी है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है, तो चलिए फिर हम भी तैयार हो जाते हैं और उसके चौक में रंग लगा देते हैं, उसके बाद हम भी तैयार होंगे। ये मैंने चांद और सूरज बनाया है, किसके यहाँ ऐसे चौक बनाया जाता है करवा चौथ पे, कमेंट करके बताएं। और हमारे यहाँ तो इसी तरीक़ा से पूजा की जाती है, अपने जो अपने अपने यहाँ के रीति रिवाज हैं, तो जैसे हमारी सासू माँ पूजा करती हैं, उन्होंने बताया इसी तरीके से, उसी तरीके से हम पूजा करते हैं फ्रेंड्स, और अपनी मर्जी से नहीं करते, जो उन्होंने बता दिया ऐसे ऐसे करते उसी तरीक़ा से हम पूजा करते। 17-18 साल हो गई हमारी शादी को, तो फ्रेंड्स चलिए अब हम भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि 7:30 बज गए हैं, 8 बजे चांद निकल आएगा। तो फ्रेंड आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आप सब कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो मैंने साड़ी आज ही तैयार करी है, ब्लाउज इसका आज ही सिला है, तो ये साड़ी में जो तैयार करके मैंने इसमें 10 रुपये रख दिए थे, तो साड़ी कहते हैं खाली नहीं रखते हैं पूजा उजा वाली साड़ी, तो वही 10 रुपये इसमें निकले थे नीचे रखे, और आज ही मैंने इसका ब्लाउज सिला है, आज ही इसमें फॉल लगाई है। तो फ्रेंड्स ये मैंने निकाल लिया अपना श्रृंगार का सामान, ये देखिए ये मैं चूड़ियाँ हरी वाली लेके आई थी मार्केट से, और जो गोल्डन और ब्लू कलर की चूड़ियाँ मेरे पास रखी हुई थी पहले से, वही